So hello everyone, a very good evening to all of you. And basically in this video I will show you about namespaces. और guys पिछली वीडियो में हमने namespaces के बारे में काफ़ी कुछ देखा था, तो आज थोड़ा रिवाइज करेंगे namespace को और दो तीन चीज़ें न्यू देखेंगे namespace के अंदर. और आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चैनल अपना विजिट करवा देता हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं. सो गाइज दिस इज़ माई चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016. प्लेलिस्ट में चलते हैं, इसमें हम ऊप्स ट्यूटोरियल जो है मेरा, क्योंकि मैं अभी जो भी मैं वीडियोस डालूंगा थोड़ा प्लानिंग के साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ऊप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगनर है. इसमें हमने क्लास ऑब्जेक्ट देखा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखा, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, स्टैटिक कीवर्ड, लेट स्टैटिक, बाइंडिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ट्रेट्स, द कॉन्सेप्ट और हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेड्स, एक्सेस लेवल इन ट्रेड्स, नेम स्पेस इन पीएचपी. सो गाइज आज की जो वीडियो रहेगी वो पार्ट 16 रहेगा, 16 पार्ट रहेगा जो आज की वीडियो रहेगी, जिसमें हम नेम स्पेस को थोड़ा रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हम सब नेम स्पेस कैसे बना सकते हैं. और जिन्होंने मेरी नेम स्पेस की वीडियो नहीं देखी है तो वो आज की वीडियो देख के उसको और अच्छे से समझ सकते हैं. और जैसे ही ये बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट मेरे फिनिश हो जाएंगे, अभी 16 वीडियो हो चुकी है, आई थिंक 18, 19, 20 के आसपास वीडियोस में बन जाएंगी अभी. और उसके बाद मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि हम डायनेमिकली डेटा को कैसे डेटाबेस में स्टोर कराएं यूजिंग MySQL, PHP का यूज़ करके, और वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो हम देखेंगे. और ये बूटस्ट्रैप की कुछ मैंने अभी 6 वीडियो डाली हैं और PHP 6, इसमें ऑलरेडी कर्ड ऑपरेशन अगर आपको सीखना है कनेक्टिविटी कैसे करते हैं डेटाबेस के साथ अपने एप्लीकेशन को, तो आप सीख सकते हैं इसमें. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट यस सीख सकते हैं आप इसमें, पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल सकते हैं आप. ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें भी, अजेक्स का एक एग्जांपल दिया है, सिंगल एग्जांपल कि अजेक्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम, और वीडियोस देखेंगे. जब पूरा थोड़ा PHP के साथ थोड़ा सा अभी हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ उसके बाद हम केक PHP में चलेंगे. बहुत ही फैसिनेटिंग है, अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेमवर्क है. सो गाइज तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेशन में वापस. सो गाइज ये हमने देखा था पिछले जो हमारा सेशन था, ऊप्स कॉन्सेप्ट इन PHP, नेम स्पेस इन PHP हमने देखा था, और पार्ट 15 ही रहा हमारा. तो आज की जो वीडियो रहेगी वो पार्ट 16 होगी. बट मैं आपको बताता हूँ कि हमने नेम स्पेस क्यों बनाया था, क्या रिक्वायरमेंट थी. गाइज नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये बात करते हैं. एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले मैं आपको नेम स्पेस को समझने के लिए. हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप देखते हैं हमको फोल्डर्स बनाते हैं या डायरेक्टरी बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? किसी भी फाइल को मेंटेन करने के लिए कि हाँ भाई अगर आपके पास सॉन्ग्स हैं तो आपके पास काफ़ी सारी MP3 फाइल है, अगर आप उसको रैंडम डी ड्राइव में डाल देंगे तो वो एक ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा. बट इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर फाइल इन सिक्वेंस वे या किसी भी मैनर में आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, यू कैन मेक फोल्डर या यू कैन ऑल्सो से डायरेक्टरी भी बोलते हो आप फोल्डर को, तो मेंटेन करने के लिए. तो नेम स्पेस से कुछ ऐसा ही काम करता है. आपको पता है PHP के अंदर हम सेम नाम के फंक्शंस नहीं बना सकते, ना सेम नाम की क्लासेस बना सकते हैं, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपनी, तो आप सिंपल नेम स्पेस बनाइए. क्योंकि अगर गाइज अगर पूरा आपको एग्जैक्ट जैसे मैं कोड लिख रहा था पिछली वीडियो में, अगर वैसा सीखना तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा. क्योंकि मुझे आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो ये रहेगा कि हम सब नेम स्पेस कैसे बनाएं, और अगर मुझे अपने एक पेज में नेम स्पेस रखना है तो कैसे रखें, आज हम वो देखेंगे. तो फिर भी मैंने जो पिछला बताया थोड़ा रिवाइज मैं करवा देता हूँ. तो सबसे पहले अब आप देखिए, ये मैंने एक नेम स्पेस लिखा और इसके अंदर एक ABC नाम का नेम स्पेस दिया, उसमें एक क्लास बनाई XYZ. क्लास को बनाने में कोई चेंज नहीं करना, जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं. बट एक बात ना, प्रॉब्लम ये है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम नेम स्पेस बनाते हैं. अगर आप अपने कोड के अंदर नेम स्पेस अगर आप चाहते हो डिफाइन करना, तो हमेशा टॉप में आपको नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा. आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, यस आप ये नहीं कर सकते कि आपने क्लास बना ली यहाँ पे डेमो और ये चीज. अगर आप करेंगे ऐसा और ब्राउज़र पर जाके इसको रन कराएंगे तो ये एरर देगा, और फैटल एरर देता है हमेशा कि नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट.
तो फैटल एरर ना, ये फैटल एरर ना ये कंपाइलेशन में आते हैं, ना ये लॉज मतलब ना ये रन टाइम पे आते हैं। फैटल एरर वो एरर होते हैं जो कंपाइलेशन फेज से ही पहले आ जाते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन फेज में तो वो एरर आते हैं जो रन सिंटेक्टिकल मिस्टेक होती है। तो फैटल एरर गाइज वो एरर होते हैं, मतलब आपका कोड वेब सर्वर ने पढ़ा ही नहीं। आपने जो पीएचपी के रूल्स हैं, आपने उस जब भी आप पीएचपी के रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो हमेशा फैटल एरर आएगा। सॉरी। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, जो रूल होता है नेम स्पेस को डिफाइन करने का। अब नेम स्पेस हम बनाते क्यों हैं, वही कि अगर आप सेम नाम की क्लास बनाना चाहते हैं, सेम नाम के फंक्शंस डिफाइन करना चाहते हैं अपने एक सिंगल कोड पेज के अंदर या कोड के आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ नेम स्पेसिस, और यू कैन ऑल्सो मेक सब नेम स्पेसिस ऑल्सो। सो गाइज, सबसे पहले क्लास बनाई एक्स वाई जेड, वी डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इन विच वी डिफाइन एक्स वाई जेड क्लास फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस, एंड एक फंक्शन हमने बनाया, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक है, अब मुझे बट एक खास बात इसके अंदर ये होती है कि अब ये ना जो ये क्लास का स्कोप है ना, वो इसी नेम स्पेस के अंदर है, मतलब ए बी सी। इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेस कंस्ट्रक्टर या शो फंक्शन, यू कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ दिस नेम स्पेस। इस नेम स्पेस की हेल्प से ही आप इस शो को एक्सेस कर पाएंगे या इस कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर पाएंगे। कैसे, अभी हम देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था। ऐसे ही मैंने सेम एक और नेम स्पेस बना दिया, देखिए। और मैंने देखिए, ऐसा कभी नहीं होता पीएचपी में कि आप दो नाम की क्लासेस बना रहे हैं, वो भी सेम नाम की। अब देखिए, मैंने सेम नाम की क्लास बना दी, बट मैंने क्या करा, इस बार कंस्ट्रक्ट एक नेम स्पेस दिया, उसका नाम नहीं दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम नाम दें, और जब हम नाम नाम ना, अगर हम नाम दे रहे हैं और हम नाम नहीं दे रहे, तो मतलब क्या है इन दोनों बातों का। इन दोनों बातों का मतलब ये है कि अगर आपने नाम दे दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अब उसका जो स्कोप, जो भी आप उसके लिए डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बट अगर आपने नाम नहीं दिया है, दैट मीन्स ग्लोबल है ये। ग्लोबल मतलब जैसे आप नॉर्मल क्लास बनाते हैं ना, ये उस तरीके से ट्रीट होगा। मतलब ये नेम स्पेस ये बता रहा है, पहली बात तो नेम स्पेस का नाम नहीं है, तो अननेम नेम स्पेस है, मतलब ग्लोबल एक्स क्लास है ये। एक्सेस एक्स वाई जेड इज अ ग्लोबल क्लास, एक्सेस एनी वे, बट इसका जो स्कोप है वो इसी नेम स्पेस के अंदर रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये आउटपुट आ जाए, मतलब कि अब मैं क्या करूँगा, मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, चाहे दूसरे नेम स्पेस का बनाऊँ, वो इसी के अंदर बनाऊँगा, क्योंकि इसकी जो जो एक्सेसिबिलिटी है वो वाइड है हमारी, कहीं भी एक्सेस हो जाएगी। तो अब देखिए, मैंने क्लास को यहाँ बंद किया, कंस्ट्रक्टर मेरा ये रहा, हेलो आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास। जब भी आपको नेम स्पेस के अंदर, अगर आप नेम स्पेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं और उसमें अगर आपको फंक्शन एक्सेस करना है, कुछ भी करना है, यू कैन यूज़ यूज़ कीवर्ड, यूज़ ए बी सी बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस कंस्ट्रक्टर। सो ए बी सी स्लैश एक्स वाई जेड इज योर क्लास नेम, इज अ फॉरवर्ड स्लैश एज डेमो। अब मैं एज डेमो को यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, और यहाँ हम सिंपल लिखते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ब्राउजर पर आउटपुट देखते हैं एक बार क्या आता है। ब्राउजर पर आता है अगेन फैटल एरर, कैन नॉट यूज ए बी सी स्लैश एक्स वाई जेड बिकॉज एक्स वाई जेड एज एक्स वाई जेड बिकॉज द नेम इज ऑलरेडी इन यूज। वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड यहाँ भी है और यहाँ भी है, यू कॉन्ट यूज डायरेक्टली, यू कॉन्ट डिफाइन सेम नेम। सो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम एलाइज कर देते हैं। एलाइज मतलब होता है उसका कोई नेम देते हैं, डेमो या कुछ भी नाम दे दीजिए, मतलब कि मैं इस एक्स वाई जेड को ना एक्सेस करना तो चाहता हूँ, बट मतलब कि मैं इस एक्स वाई जेड, क्योंकि जो नाम सेम, जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है इस वजह से हो रहा है, तो या तो ये आउटपुट आएगा या ये आएगा, तो इसलिए हम एलाइज करते हैं एज डेमो। मतलब कि जो मेरी ये वाली क्लास है एक्स वाई जेड, उसको हमने क्या कर दिया, डेमो बोल दिया। तो हम यहाँ डेमो लिख देंगे, तो आउटपुट क्या आएगा देखिए, एक्स वाई जेड क्लास फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस। कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसे सेम नाम आ जाते हैं तो हम अलाइज कर देते हैं। अब मान लीजिए ये चीज़ होती ही ना, सपोज ये होती ही ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब आपको अलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल एक्स वाई जेड लिखिए यहाँ पे, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब आउटपुट में चेंज वैसे नहीं आएगा, देखिए, नो नो चेंज। सो गाइज, अगर नेम सेम है तो उस चीज़ के लिए हम अलाइज, हमारे पास अल्टरनेटिव है नेम, मतलब नेम स्पेस के अंदर हम इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेम स्पेस अब हमने बना लिया है, अब डिपेंड करता है कि हम अपने कोड, जब हम कोई एप्लीकेशन जब हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम बना रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो गाइज, ये था नेम स्पेस का इंट्रोडक्शन जो हमने पिछली वीडियो में देखा था।
और ख़ास बात ये है अभी अभी जो हम देखेंगे कि नेम स्पेस के अंदर हम सब नेम स्पेस भी बना सकते हैं। जिस तरीके से आप एक डायरेक्टरी एक फोल्डर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ए नाम का, मान लीजिए नेम स्पेस ही है, एक नेम स्पेस समझ लीजिए इसको कि मैं नेम स्पेस से रिलेट करूँ, क्योंकि नेम स्पेस भी उसी तरीके से ही काम करता है। अब इसके अंदर हमने बहुत सारी फाइलें रख रखी हैं, मतलब क्लासेस रख रखी हैं, जैसे अभी हमने क्लास बनाई, ठीक है। अब सिंपल आपने अगर जावा पढ़ा होगा, जावा में देखा होगा, पैकेजेस देखे होंगे आपने, वो भी तो यही होता है, डायरेक्टरी बना देता है, मतलब आपका फोल्डर बना देता है। हमने एक और फोल्डर बना दिया, मतलब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर एस नाम का। तो अगर ये चीज़ करनी हो नेम स्पेस के अंदर, आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश और डेमो। अब इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये नेम स्पेस है ये एबीसी ना होके क्या हो गया, डेमो हो गया, मतलब एबीसी स्लैश डेमो, इस मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर। अब मुझे एक्सेस अगर करना हो ना ये, तो अब देखिए एक्सेस शायद होगा नहीं ऐसे डायरेक्टली, फेटलर आ गया अगेन। तो मुझे इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा एबीसी तो है, डेमो भी है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको और पूरा पाथ दूंगा सही तरीके से, कि मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्या है, एबीसी डेमो फोल्डर देन एट देन कंटेन एक्स वाई जेड क्लास। देखिए चला गया एरर। दूसरी चीज, अब ये तो ठीक है कि अब हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको एक्सेस कर लिया। इस तरीके से गाइज आप सब सब नेम स्पेस बनाते हैं इस तरीके का यूज़ करके। अब सिंपल सी बात है, अब आप इस फाइल को जो आप कहीं से इंक्लूड भी करा सकते हैं, इंक्लूड कराने के लिए कुछ नहीं होता सिंपल। अब मान लीजिए मैं कोई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे PHP की, और यहाँ पे हम देते हैं, मैं आर नाम दे देता हूँ इसका, आर नहीं चेक दे देते हैं, चेक, और फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल कहता हूँ, मैं बस आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं इस फाइल को नेम स्पेस। अब कहने का मतलब पता क्या है, अब इस फाइल की जो यूजेज है ना इस चेक फाइल के अंदर है, सपोज मैंने ये नेम स्पेस इतना ही बनाया है, ठीक है, बस एक ही नेम स्पेस बनाया है यहाँ पे मैंने, नेम स्पेस एबीसी डेमो। अब मुझे एक्सेस करना है इस चेक फाइल के अंदर, और यहाँ पे एक क्लास और एक्स वाई जेड, मतलब कि आप कॉन्सेप्ट समझिए मैं करके कर क्या रहा हूँ। मेरी मैंने एक फाइल बनाई नेम स्पेस डॉट PHP, इसमें नेम स्पेस है एबीसी स्लैश डेमो, ये मेरे नेम स्पेस का नाम है, मतलब कि फोल्डर के अंदर फोल्डर। ये बस समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि नेम स्पेस ऐसे ही काम कर रहा है, इसमें एक एक्स वाई जेड क्लास है, उसमें कंस्ट्रक्टर एक शो फंक्शन है, बस और कुछ भी नहीं है। मैं चेक में आया, मैंने इसको फाइल को इंक्लूड करा लिया, मैंने एक नेम स्पेस बनाया एक्स वाई जेड सेम क्लास नाम का जिस जो वहाँ थी, और मैंने अब एक्सेस करने की कोशिश की, देखिए क्या होगा। अब यहाँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि अब गया, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डॉट PHP, कोई चेंज नहीं आएगा आउटपुट में, क्योंकि बात वही है। आप नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी अ वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, ये प्रॉब्लम यहाँ पे देगा, बट इसको एक काम करते हैं। सो गाइज इस केस में ये एरर देगा, क्योंकि एरर देने का रीज़न देखिए क्या है, मेरे माइंड में भी एकदम क्लिक नहीं किया उस टाइम पे, कह रहा है नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो जो जो हमारा लॉजिक है उससे तो हम नहीं भाग सकते, मतलब जो PHP के रूल्स बने हुए उसको तो हम नहीं भाग उससे हम नहीं पीछे हट सकते। अब कह रहा है कि फेटल एरर क्लास ABC डेमो एक्स वाई जेड इज़ नॉट फाउंड, उसको मिल ही नहीं रही है, अब एक ग्लूट भी नहीं करा सकते इस तरीके से डायरेक्टली। तो इस जो अभी हमने ये बनाया है प्रोग्राम, इसमें तो अब इस चीज़ में तो हम नहीं अभी पीछे हट सकते, इस वजह से अभी हमें यहाँ से कट करके यहीं पे ही पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे थे आउटपुट, बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, अब जैसे जो ये चेक हमने फाइल बनाई है यहाँ पे, ठीक है, इंक्लूड, क्योंकि नेम स्पेस तो ऊपर रहेगा। तो देखिए अब आप यूज़ जैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा, अगर आप सिंगल फाइल में यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हो कि फाइल हैंडलिंग यूज़ कर रहे हो, कि आप चाहते हो कि आपका जो फाइल है उसका डेटा फाइल में मेंटेन होता रहे, उस केस में आप नेम स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, आप सब नेमिंग तो मैंने आपको बताया ही बताया। तो इस तरीके से आप इंक्लूड नहीं करा सकते, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसे ये थोड़ी मैं मानता हूँ। एक चीज़ में एक चीज़ बताता हूँ आपको, नेम स्पेस, और मैंने नेम स्पेस का नाम दिया डेमो डिटेल, ठीक है, डेमो डिटेल्स हमने नाम दे दिया।
अब खास बात एक और मैं बता जो मेरे को बतानी है, मैंने यहाँ पे लगा दी सेमी कोलन, आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक फाइल में ही नेम स्पेस यूज़ करना है, नेम स्पेस इज वर्ड, नेम स्पेस कंटेन क्लासेज, योर फंक्शन, योर वेरिएबल, योर एनी एवरी थिंग। अब देखिए मैंने बनाया ये, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं वरना आपकी मर्जी है, आप सिंपल यहाँ लगाइए सेमी कोलन और अपनी क्लास शुरू कर दीजिए। क्लास जैसे हम देखते हैं सी जैसी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज के अंदर एक्स वाई जेड, और जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। नेम्स आप जैसे अभी एक्सेस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे मैंने बनाया सीधा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन और मैसेज दे दिया हेलो, ठीक है। और सिंपल मैं अभी अगर अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ इसका एक्स वाई जेड, देखिए तो क्या होगा, फेडल एरर, क्लास डेमो ओके इज नॉट फाउंड। तो डेमो डिटेल हमारा उसका नाम था, पैकेज का नाम था, अभी भी एरर देगा ये। सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको ना, अगर मैं यहाँ से कट कर लूँ, और वैसे मैं अंदर लिखूँ कोई फ़ायदा नहीं है, उसका एरर देगा, बट अगर इसको क्योंकि नेम्स अब क्योंकि अब देखिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए ना, तो अब ये नहीं है ये मुझे अब क्योंकि नेम मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे उस ब्रैकेट के अंदर लिखना है या बाहर लिखना है, क्योंकि तो क्लास का ब्रैकेट है तो ये बाहर चलना चाहिए कोड। सो गाइस इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमने लिखा है ये, हम सिंपल क्या करेंगे यूज़, और इस चीज़ जो अभी हमने पाथ दिया ना, इस पाथ को यहाँ से कट करेंगे कि मतलब हमारा ये सब नेम स्पेस है, मतलब फोल्डर है, और ये हमारी एक्स वाई जेड है। हम सेमी कोलन लगाएंगे यहाँ पे और सिंपल यहाँ लिख देंगे हम एक्स वाई जेड, बस देखिए हेलो आ गया। सो इस तरीके से आप सिंगल फाइल में नेम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, और जैसे भी आपने अगर काम करना है, लॉजिक लगाना है, उस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल आपने ये किया और कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, खाली सिंगल कोई जैसे अभी हमने यहाँ देखा था, हमने यहाँ ब्रेसेस लगाए थे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट किया, सेमी कोलन लगाया, टर्मिनेट किया, मतलब कि इस फाइल के अंदर ये क्लास ना ऑटोमेटिकली इस नेम स्पेस के लिए है। तो ये चीज़ होती है गाइस नेम स्पेस और सब नेम स्पेसेस। आई होप काफ़ी आपको क्लियर होगा, पिछली वीडियो में नेम स्पेस देखा था, आज हमने फिर रिवाइज किया और दो तीन चीज़ें नई देखी। सो आई होप गाइस काफ़ी क्लियर होगा आपको नेम स्पेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप हिंटिंग, जो वीडियो नंबर रहेगा हमारा 17 वीडियो रहेगा हमारा जो हम बनाएंगे, और उसमें देखेंगे कि टाइप हिंटिंग कैसे होता है पीएचपी के अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमने देखा था टाइप हिंटिंग को थोड़ा सा, अब एक उसके लिए एक अलग वीडियो, बिल्कुल वो डिज़र्व करता है टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम टाइप हिंटिंग इंप्लीमेंट करें पीएचपी में। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू वॉन्ट अगर अगर आपको और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।